जय श्री राम दोस्तों। पूरे 5 साल के बाद ऋतिक रोशन अपनी नई फिल्म फाइटर को लेकर वापस आ चुके हैं वॉर के बाद, जो कि 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली। फिल्म के डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, जो कि पठान को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब ट्रेलर को देख के हमें ये समझ में आता है कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स को इकट्ठा करके एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है। उसके बाद ये लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं, बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि एक टेररिस्ट अटैक होता है हमारे जवानों पर, जिसमें हमारे 30 से 40 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स के लिए भारत सरकार इस क्विक रिस्पॉन्स टीम को चुनती है। कास्ट में मेरे फेवरेट ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और सपोर्टिंग कास्ट में करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय है। स्टार कास्ट बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म के प्लॉट की बात करें ना तो कुछ नया नहीं है, लेकिन ट्रेलर में बहुत कुछ रिवील कर दिया गया है। और फिल्म का VFX जो इंडियन सिनेमा की सबसे कमजोर कड़ी कहलाती है। ट्रेलर को देखने से ऐसा लगता है कि VFX बहुत अच्छे हैं, और कुछ सुनने में आया है कि कुछ हॉलीवुड के जो VFX के जो क्रिएटर्स है उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। और बाकी की जानकारी तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी कि फिल्म का लेवल क्या है, फिल्म किस तरह से हमें क्या दिखाना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।